अमरोह तो मैं मीडिया रिपोर्टर प्रिंसिपल तुहाडा स्वागत करना। अज असी पुलिस स्टेशन अमरोह के सामने नगर काउंसल के दफ्तर खड़े हाँ, जिथे एक पीड़ित परिवार जो कि एक्सीडेंट का शिकार हो गया, जो घर का इकलौता काम करने वाला बंदा सी, उसकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई जी। तो जिदन और रात को 8 दिसंबर को हादसा वापरिया, उस दिन वो जो मृतक सीगा उसनू पहला मंडी गोबिंदगढ़ हॉस्पिटल लेके जाया गया, फिर उस तो बाद उसनू 32 चंडीगढ़ रैफर कर दिता गया उसकी हालात को ध्यान च रखते हुए। तो ज़्यादा जानकारी ली जो सुरजीत सिंह सी उन्हां दी पत्नी उन्होंने जानकारी लेने कि वो इस एक्सीडेंट नू तो किस तरह प्राप्त हुए। अठ तरीक नू काम तो घर नू वापस आ रहे थे जी, अपने RBL फैक्ट्री मूहे एक्सीडेंट होया जी, उन्होंने सिर सट बजन करके उन्होंने फोन अंदर पै गया, किसी ने आके देखा तक नहीं चक्या नहीं, 150 बंदा कट्ठा कोल खड़ा होकर देख लग गया, किसी ने ऐ नहीं किया भी चक के असी होस्पिटल पहुँचा दी जी। बाद फैक्ट्री वाले ने गेट वाले ने फोन करिया तो भी इदा साढ़े मूहे 1.5 घंटा हो गया बंदा तड़फदा पिया, वह एक्सीडेंट हो गया, तुम उन्होंने होस्पिटल पहुँचाओ। एंबूलेंस लो अपने लो तो एंबूलेंस गई सिविल चो जी, अपने गोबिंदगढ़ सिविल से पहुँचाता, उतों उन्होंने रैफर करता जी 32 दो दिन रहा उसके हॉस्पिटल, 24 घंटे बाद उन्होंने डैथ हो गई जी, शुक्रवार रात में डैथ हो गई जी, शनिवार पोस्टमार्टम करके उन्होंने लाश दी, शाम को परचा दर्ज हो गया जी थाने, परचे तो बाद उन्होंने लाश पोस्टमार्टम करके जी शाम सू भरी दी, सू अनुसार से मेरी 3 बेटियां ने जी, 1 6 महीने दी है जी, एक दू 44 जी 13वें साल चा जी, 1 16वें साल चा जी, हूँ मेरे घर का गुजारा उही सीगा जी, उन्होंने तो बिना हूँ मेरा कोई नहीं इस दुनिया से जी, उन्होंने मम्मी भी मंजे पर बैठी है, मैनू इंसाफ चाहिए जी, मेरे कोई भी उत्ता नहीं चक रहे जी, मैनू बच्चिया के साल से मेरा कुछ सोच जी। तो जो पीड़ित परिवार है इन्हों की प्रशासन तो यो मंग है कि जो मृतक सी वो इकलौता ही कमाने वाला सी, इस परिवार को कोई कमाई का होर साधन है नहीं, तो ये पुलिस प्रशासन तो मंग करते हैं कि साड़ी इस औखे समय में मदद की जा सके, क्योंकि जो माली सहायता उस नाल जो इंसान चले गया वो तो वापस नहीं आ सकता, पर इन्हां दी जो 3 कुड़ियां ने जो इन्हां दा इकलौता ਵਾਪਸੀ ਠੀਕ ਨਾ ਜੋ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਰ ਸੀ ਤੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਕਲਾਸ ਕੀ ਕੁੜੀ ਉਮਰ ਕਲਾਸ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਓ ਜਾ ਜਾਣ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ। ਬੁਲਕੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਡੈਡੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜੋ ਮਿੱਤਕ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਜੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜੀ ਮੰਮੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਆ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ